हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वीन नमकीन। आज हम बनाएंगे चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा इस रेसिपी से घर पे बनाना है बहुत आसान, बाजार का पिज़्ज़ा आप भूल जाएंगे। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये पिज़्ज़ा हम बनाएंगे कढ़ाई में, जो कि कढ़ाई हमने प्री हीट करने के लिए हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके लिए मैंने मार्केट बेस्ड पिज़्ज़ा बेसिस लिए हैं, बॉन के डाइस्ड अनियन, स्लाइस कैप्सिकम, सम कॉर्न्स एंड पिज़्ज़ा टॉपिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक कढ़ाई लेंगे, हैवी होनी चाहिए, ठीक है। अब उस पर सॉल्ट डाल दें, ये मेरा रेगुलर यूज सॉल्ट है जो मैं बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और कोई भी एक प्लेट रख दें या कोई स्टैंड रख दें, ये मेरी स्टीम वाली प्लेट है, मैंने वो लगाई है, इसको प्री हीट होने के लिए रख रही हूँ। हम कढ़ाई में बनाएंगे बिना ओवन के। अब पिज़्ज़ा बेस को सेंटर से हम कट करेंगे, सर्कुलर मोशन में आपने इसको कट करना है। चक्कू एक धार में आप चलाना, आपका ये शार्प होना चाहिए नाइफ, ठीक है। और इसका ध्यान रखना प्रेशर नीचे की तरफ ना जाए, नीचे से नहीं कटना चाहिए, तो सेंटर में ही रहना चाहिए, नीचे की लेयर में कट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जो भी फिलिंग करेंगे वो नीचे से फिर बह जाएगा, पिज़्ज़ा आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप ये देखना नीचे का आपका बेस प्रॉपर होना चाहिए। ये चीज़ स्प्रेड है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने घर पे खुद बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक इवन लेयर कर देंगे हम चीज़ स्प्रेड की, और अगर आप चीज़ स्प्रेड नहीं है तो आप चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं। अब इसको पेस्ट कर दें, ऊपर की लेयर को अच्छे से दबा दें कि वो प्रॉपरली चिपक जाए। अब पिज़्ज़ा को हमने जिस प्लेट में रखना है उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ, बटर से या घी से, ऑयल से, किसी से भी आप ग्रीस कर लें। ये प्लेट मैं डायरेक्ट कढ़ाई में रखूँगी। पिज़्ज़ा की पिज़्ज़ा टॉपिंग ली है मैंने, इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर दें प्रॉपरली। केचप प्रॉपरली इवनली स्प्रेड होनी चाहिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इससे। मैं अब यूज़ कर रही हूँ चेडर चीज़, ये आपको मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं होता तो आप इसके जगह चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं या मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। चीज़ की लेयर स्प्रेड कर दी है, अब हम डाइस्ड अनियन लगाएंगे। तो अनियन के मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं, ये कुछ थोड़े बड़े हो गए बट छोटे छोटे से स्लाइसेस लगा रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। तो गैप पे करके अच्छे से वेजीज को हम फिल करेंगे। अनियंस हमने कर दिए हैं स्प्रेड, अब हम अपनी स्लाइस्ड कैप्सिकम को लगाएंगे। अच्छे से इसको सजाना है, ये नहीं कि कैसे भी रख दिया उसे मज़ा नहीं आता पिज़्ज़ा का, तो प्रॉपरली स्प्रेड होना चाहिए। ये थोड़े से कॉर्न्स पूरा फिल कर देंगे हम। अब थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे हम एंड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर। अब आएगी मोज़रेला चीज़ की एक लेयर, आप देखिए सेंटर में फिलिंग, उसके ऊपर बेस एक चीज़ का, और अब मोज़रेला चीज़। तो हम बना रहे हैं चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। बिना ओवन के हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, ओवन की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई हमने प्री हीट के लिए रखी हुई है सिम गैस पे, ये अच्छे से प्री हीट हो गई है, ध्यान से इसको कढ़ाई के अंदर रखना। अब वापस से हमने इसको कवर कर दिया है, 20 टू 25 मिनट्स के बाद आप चेक करना आपका पिज़्ज़ा रेडी होगा। आप देखिए मैंने प्लेट में रखा था तो प्लेट से निकालना आसान और मेरी प्लेट है साफ। अब हम इसको पिज़्ज़ा कटर से कट करेंगे और बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, हिट द बेल आइकन। पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया बना है, सबको बड़ा पसंद आएगा, जाइए सामान अरेंज करिए और बनाइए पिज़्ज़ा, बहुत आसान है इसको बनाना। देखिए कितना चीज़ी और कितना बढ़िया पिज़्ज़ा हमने घर पे बनाया है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।